हवा महल। हवा महल इस कार्यक्रम में आज आपके लिए लेकर आए हैं झलकी, ये न थी हमारी किस्मत। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव। अजी सुनते हो, मैंने कहा आज रविवार है। जानता हूँ प्रिय कि है आज रविवार, उस दिन तुम कुछ ज्यादा ही करती हो प्यार। अच्छा भला वो क्यों? जिससे दिखाऊं मैं पिक्चर कोई नहीं, या फिर ले जाऊं तुम्हें हाट बाजार, आज के दिन रहती हो तुम ज्यादा उदार। अच्छा अच्छा, अब आप अपनी ये कविता छोड़िए, आज मैं उदार नहीं बिल्कुल उधार हूँ जनाब। वाह उदार, अरे वाह उदार, क्या बात है यार, तुमसे करता है प्यार है प्रिय बार बार, क्योंकि प्रिय तुम तो हो बहुत उदार, और देती रहती हो अक्सर मुझको उदार। बस बस श्रीमान, अब बहुत हो गया। सुनिए, परसों आपने कहा था कि इस रविवार को खाना मैं पकाऊंगा और अपनी पाक कला का जौहर तुम्हें दिखाऊंगा। तो जल्दी से आज किचन में पहुंच जाइए और जरा जल्दी से खाना बना डालिए, तब तक मैं ये फिल्मी पत्रिका पढ़ती हूँ। प्रिय तुमने गजब किया, जो मेरे वादे पे इतवार किया, हे प्रभु क्या इसलिए आपने मुझे ये इतवार दिया। देखिए देखिए, अब आप किसी तरह बच नहीं सकते, बहानेबाजी करने से काम नहीं चलने वाला, वायदे के अनुसार खाना तो आज आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे हाथ जले चाहे पैर जले, खाना बनाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब आए रास्ते पर, बस अब सीधे चले जाइए, किचन का रास्ता बिल्कुल सीधा है। जाता हूँ प्रिय, जल्दी की क्या बात, अभी तो दिन निकला है, हाय हुई नहीं रात। ये अखबार लेकर किचन में नहीं जाया जाता जनाब, जाइए भी, पड़ोस में शर्मा जी हर रविवार को खाना बनाते हैं, और आपको आज एक बार खाना बनाना पड़ रहा है तो उसमें भी आनाकानी कर रहे हैं। शर्मा जी की पत्नी रविवार को ठाट से टेलीविजन देखा करती है, और समय पर चाय नाश्ता उन्हें ड्राइंग रूम में शर्मा जी पहुंचाया करते हैं, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। देखो प्रिय तुम, देखो जी, मुझे ये बार बार प्रिय प्रिय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ देती हो अगर मुझे वार्निंग, तब क्या मैं तुमको कहूँ हाय डार्लिंग। कुछ भी कहिए, पर ये प्रिय प्रिय की रट छोड़िए, फिर चाहे डार्लिंग कहिए या। मैं सरकारी कर्मचारी ही नहीं, हिंदी का कवि हूँ मैं, गगन का रवि हूँ मैं। ओ भगवान बचाए ऐसे सड़क छाप कवि से। अरे बाबा मैं समझ गई कि आप क्या हैं, मैं तो आपकी इस निगोड़ी कविता के मारे परेशान हो गई हूँ। अरे ये क्या कहती हो मेरी रानी, सुनकर आंखों में भर आता पानी, हाय हाय मेरी कदर किसी ने ना जानी। ओफो, आप सिर्फ बातें बनाते रहेंगे या खाना भी बनाएंगे? अब आप किचन में जाइए, जाइए ना प्लीज। जाता हूँ, अभी खाना बनाता हूँ, पर जाने से पहले एक कविता सुनाता हूँ। हाँ तो अर्ज किया है, अर्ज क्या है, दिमाग से कर्ज लिया है, बस यूँ समझिए अपना फर्ज किया है, मानो मरीज से मर्ज लिया है। ये भगवान, लगता है आप खाना नहीं बनाएंगे, बहाने बना रहे हैं, पहले आप किचन में जाकर खाना बनाइए, फिर बाद में अपनी कविता सुनाइएगा। जाता हूँ प्रिय, जाता हूँ। फिर प्रिय का भूत सवार हो गया आप पर। अरे फो, अरे किस अशुभ चीज का नाम लिया तुमने, अब जाता हूँ किचन की ओर, होशियार खबरदार, कवि कोमल रहे हैं पधार, जिनके आने से किचन में आई है बहार। हे भगवान, आप चुपचाप नहीं रहेंगे? हाँ, किचन की है क्या अजब छटा, कहीं लोटा तो कहीं थाली, कहीं बेलन तो कहीं, देखो मेरी सजनी कौन आया है असमय। मैं देखती हूँ, आप किचन में अपना काम शुरू कीजिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं। हाय दीदी, जाग गई ना? अरे रेणु,
कैसे आए अचानक? सोचा आज रविवार है, चलो दीदी और जीजा जी से मिल ले। जीजा जी कहाँ है? किचन में है। किचन में? ये सूरज आज पश्चिम से कैसे उगा? उगा नहीं है, उगाया गया है। अच्छा। तुम्हारे जीजा जी ने वादा किया था इतवार को खाना बनाने का, वही वादा निभा रहे हैं। अच्छा, चलो तो देखो जरा। अरे इश्क ने गोल निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह जीजा जी, आदमी तो आप आज भी काम के। तभी ना दीदी को छुट्टी के दिन खाना बनाकर खिलाने की तैयारी में लगे हैं। अरे रेनू रेनू रेनू, अरे तुम कब आई? बस अभी आ ही रही हूँ। दीदी ने बताया कि आज आप किचन में अपना जौहर दिखा रहे हैं, तो यहाँ चली आई। अच्छा किया जो तुम आई। अरे तुम आए मेरे घर, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को कभी तुमको दे 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 देखते हैं। वाह जीजा जी वाह, आपकी शायरी का जवाब नहीं। मगर जनाब, शायरी या कविता गामिनी का आह्वान किचन किंग बनकर नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है मेरी रेनू, आज तो किचन में मुझे एक से एक कविता की पंक्तियां जिह्वा पर आ रही है। कहो तो उठाकर बाल से लिख दूं, झुकाकर डाल से लिख दूं, कहो तो मानस कर जाकर कमल के फूल के ऊपर तुम्हारा नाम प्यारा है, महज इस ख्याल से लिख दूं। तली तली है। वाह जीजा जी वाह, जवाब नहीं आपका। अब आप कविता कामिनी का सहयोग किचन में खाना बनाने में लीजिए, तब तक मैं और दीदी ड्राइंग रूम में टीवी पर फिल्म देखते हैं। हाँ देखो देखो फिल्म टीवी पर, मगर पास पड़ोस में जाकर कह दो कोई कवि कोमल आज बना रहा है रसोई। ठीक है ठीक है, मैं सारे मोहल्ले में जाकर कह आती हूँ, आप अपना खाना बनाना चालू कीजिए। शुरू शुरू शुरू। अरे सुनती हो मेरी रजनी, अरे सुनती हो मेरी सजनी, अरे जरा आओ मेरी सजनी। अब क्या हो गया, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप? जरा भी चैन से बैठ नहीं पाती, कहिए। बच्ची खुफिए बोलो जरा धीरे, मैं पूछ रहा था कि कहाँ रखे हैं जीरे। आपने आपने फिर प्रिय कहा, मैं कह देती हूँ। अच्छा मैं तुम्हें प्रिय कहूँ या फिर मैं? अरे बाबा जो जी मैं आए वो कहिए, पर अब जाइए जल्दी से खाना बनाइए, घंटा भर हो आया और अभी कुछ हुआ नहीं। उस सफेद रंग के डिब्बे में जीरे रखे हैं। अच्छा अब जाती कहाँ हो प्राण प्रिय? ओफो मैं तो तंग आ गई आपके इस बेतुकी बकबक से, भगवान जाने कविता का नशा कब उतरेगा। हाँ? इस कला को तुम कैसी हो नशा, एक कवि की हुई ये कैसी दुर्दशा। दीदी जीजा जी पर आज कविता का भूत सवार हो गया है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि चलो पड़ोस में मिसेस सिन्हा के यहाँ बैठकर टीवी पर फिल्म देखें। घंटे डेढ़ घंटे बाद जीजा जी जब खाना बना लेंगे तो हम पहुँचेंगे। क्यों? हाँ ठीक है, मजा भी आएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो अरे 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 अरे, अरे कैसी है तुम्हारे इस किचन की चमक, नजर नहीं आता किधर है नमक नमक नमक। लाल रंग के छोटे डब्बे में रखा है, जरा अंदाज से डालिएगा कहीं ज्यादा ना हो जाए। अच्छा मैं रेणु जा रहे हैं। हाय कैसा है इन डब्बों के रंगों का चक्कर, सब्जी में नमक के बदले खाए पड़ गई शक्कर। क्यों जी बन गया आपका खाना? आओ आओ प्रिये, खाए हम संग संग खाना और खाते खाते गाए हम कोई फिल्मी दो गाना। मुझे नहीं आता कोई गाना वाना, और अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपया शांत रहें
अब इस कविता के चोले को उतार दीजिए। मैं कवि हूँ, मर्द हूँ, बर्फ हूँ, सर्द हूँ, तड़प हूँ, दर्द हूँ, सड़क हूँ, मर्द हूँ। बस 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 समझ गई आप क्या है। क्यों जी, आप घर में दिन भर प्रिय प्रिय की रट लगाए रहते हैं, क्या दफ्तर में भी आप इसी तरह मुझे याद करते हैं? हाय, आता जब याद साहब का चेहरा, कैदी पर हो जैसे कोई पहरा, याद तेरी भीतर घुसने नहीं पाती, दरवाजे पर ठहरा हो जो चपरासी। अच्छा अच्छा, अब आप खाना खाइए, आज तो आपसे बात करना भी गुनाह है, ढंग से तो बात कर ही नहीं रहे। ये सब्जी है, एक ही में कई तरह के स्वाद, नमक भी है और चीनी भी, खट्टा भी और तीता भी। हे भगवान, क्या आपने किचन में रखे सारे मसालों को इसमें डाल दिया है। बस कमी है तो सिर्फ एक किरासन तेल की, दो चार बूंद टपका देते तो मजा आ जाता। अरे मत तुड़ाओ एक टिपका यू मजाक, चुपचाप खा लो, मैंने बनाया है जो साग। खुस्ता की माँ, और ये रोटियाँ बनाई हैं आपने, कहीं पर कच्ची हैं तो कहीं पर जली हुई, कहते थे मुझे खाना बनाना आता है। रोटियाँ देखने में है भुरभुरी, खाने में लगती है ये कुरकुर कुरकुरी, और खाते ही बदन में आएगी सर 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 सरी। अरे वाह प्रिय वाह, अरे तुमने मेरे दिल में दीपक जला दिया, अरे आज मैंने जाना कि तुम भी हो कवित्री, मैं हूँ सत्यवान, हाय डार्लिंग तुम हो मेरी सावित्री। रहने दीजिए अपनी ये निगोड़ी कला अपने पास, मुझे नहीं बनना कवियत्री। अरे अरे गुस्से में तुम लगती हो आग, जैसे हो मिर्ची की साग, अब घर से कवि को मर जाओ भाग, कहता है मेरे मन का काग। अरे वाह वाह, आप कहाँ भागेंगे, भाग तो मैं रही हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाता ये खाना। मत जाओ प्रिय इस तरह, तुम दिल मेरा तोड़ कर, कहता हूँ प्रिय, अरे मैं ये दोनों हाथ जोड़ कर। अब जैसा किया वैसा भुगतिए, आप खुद खाइए अपना बनाया स्पेशल खाना। प्रिय तुम छोड़ना मत खाना, सब देगा क्या ये जालिम जमाना, हाय तुमने ये ना जाना, प्रिय तुम छोड़ना मत खाना। अब आप कविता गुनगुनाइए और ये खाना खाइए, आपके इस बकबक से तो मैं परेशान हो गई, मैं तो चली अब किसी अच्छे होटल में खाना खाने। जाओ प्रिय जाओ, तुम होटल में खाओ और देखो कोई पिक्चर सुहाना, मैं यहाँ बैठ के अकेले गाऊंगा फिल्मी दो गाना। अरे ये न थी हमारी किस्मत कि खाना मजेदार होता, कि और खाते रहने को दिल बेकरार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि खाना मजेदार होता, कि और खाते रहने को दिल बेकरार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि खाना मजेदार होता, कि और खाने को दिल बेकरार होता। ये न थी हमारी किस्मत, ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। लेखक सत्यदेव नारायण सिन्हा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता सीताराम यादव। आकाशवाणी पटना की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम संपन्न होता है।